हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स का एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। मोशन वर्ड क्या है, कैसा होता है, किसे कहते हैं, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए, एक्चुअली फिजिक्स को समझने के लिए फ्रॉम क्लास 9 ऑनवर्ड्स हम लोग को पहले एक वर्ड सीखना होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। एक्चुअली ये वो वर्ड है जो पूरे फिजिक्स में आपको हर टॉपिक हर चैप्टर के अंदर मिलेगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी वर्ड ऐसे तो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, बट इन फिजिक्स क्वांटिटी बोलो या इसका पूरा नाम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिक्स में ये क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिक्स में एनीथिंग, कोई भी चीज़ विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सके, जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसका एक वैल्यू होता है, उस चीज को क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे इफ आई आस्क यू, बताओ बाबू आपका हाइट कितना है, तो आप बोलोगे 5 feet 4 inches। तो क्योंकि आप अपने हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो, तो हाइट इज अ क्वांटिटी। आपका वेट कितना है, आपने बोला 42 kg, इट मीन्स कि आपका जो वेट है वो एक क्वांटिटी है। एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज अ क्वांटिटी। और ये क्वांटिटी वर्ड फिजिक्स में पूरे चैप्टर में हर टॉपिक में भरा होता है, इसलिए पहले इसको पढ़ना होता है। सो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ये क्वांटिटी दो तरह का होता है। क्वांटिटी के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है स्केलर क्वांटिटी और सेकेंड टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी यानी वो क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, या कुछ लोग उसको मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। ओनली मैग्नीट्यूड, नॉट द डायरेक्शन, नॉट द डायरेक्शन, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे ना, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोलोगे, नंबर बोलोगे, डायरेक्शन कुछ नहीं बोलोगे। इसको बोलते हैं स्केलर। स्केलर वर्ड बना स्केल, स्केल मतलब मैग्नीट्यूड, विच कैन बी मेजर्ड विद द वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, जिसमें नंबर होगा, जिसमें सिर्फ एक नंबर होगा, एक मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन मेंशन करने का जरूरत नहीं है। ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू है, क्योंकि ये क्वांटिटी है और क्वांटिटी का मतलब है विच कैन बी मेजर्ड। तो मैग्नीट्यूड तो रहेगा, प्लस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, ऐसे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन और डिफरेंस। यू कैन से आपसे कोई पूछ सकता है कि गिव डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड वेक्टर क्वांटिटी इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। आप अपने सेकेंड वाले पॉइंट में अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो, तो सेकेंड पॉइंट में एग्जांपल डाल सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था लेंथ या वेट, ठीक है? ये जो वेट वर्ड है ना, वो फिजिक्स में हम लोग अभी जैसे वेट को डेली लैंग्वेज में जैसे यूज करते हैं, ये वो वेट नहीं होता है। अभी मैं फिलहाल वेट को हटा रहा हूं, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। हम लोग कुछ वर्ड जानते हैं पहले से, डिस्टेंस, ये स्केलर क्वांटिटी है। या हम लोग और भी आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग एक वर्ड जानते हैं स्पीड, तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर आप वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल लिखोगे, तो वहां पे एक वर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट। ये वो वर्ड है जो हम लोग इसी चैप्टर में अभी बिगिनिंग में पढ़ने वाले हैं। या एक वर्ड आता है वेलोसिटी, ये वर्ड आप शायद पहले कभी सुने होंगे, वेलोसिटी। या एक बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ज्यादा सुने होंगे, फोर्स। तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड मेनी मोर एग्जांपल्स, और बहुत है। अभी मैंने बोर्ड पे दोनों के लिए 3-3 एग्जांपल लिखा है। सो ये आपको पहला चीज सीखना है कि स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं है, और वेक्टर क्वांटिटी मींस जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, और ये इसलिए पढ़ना है कि जैसे इस चैप्टर में हम लोग टर्म्स में आएंगे, इस चैप्टर के रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, तो सबके साथ ये डिस्कशन कंपलसरी होगा कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो आपको सीखना है। Now coming to the name of chapter, chapter का नाम है motion। और एकदम ध्यान से सुनो कि motion word जब भी हम लोग सुनते हैं, मान लो हम लोग physics नहीं पढ़े, class 9 physics नहीं पढ़े, हम लोग एक बहुत general लोग हैं और कुछ खास ऐसे academic पढ़ाई नहीं भी किए हैं, लेकिन जो लोग भी motion word जैसे ही सुनते होंगे, तो motion word सुनते के साथ उनके दिमाग में जो एक वर्ड आएगा, उसका जो मीनिंग आएगा, वो मीनिंग आएगा मूवमेंट। मोशन मीन्स मूवमेंट।
ये मीनिंग सबके दिमाग में तुरंत आता है। मोशन वर्ड मतलब मूवमेंट, इट मींस कोई चल रहा है, कोई ऐसा चीज है लिविंग और नॉन लिविंग जो भी है वो चल रहा है। हाँ लिविंग बींग है तो खुद ब खुद चल रहा है, अगर नॉन लिविंग है तो उसको कोई फोर्स दे रहे हैं किसी चीज के, मशीन के हेल्प से हम लोग पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं। सो मोशन का मतलब सीधा सीधी मूवमेंट वर्ड से निकाला जाता है। अब हम लोग ऐसा फिजिक्स में नहीं मानते, फिजिक्स में ऐसा भी होता है कि कोई चीज चल रहा हो फिर भी कहा जाता है कि वो मोशन में नहीं है। इट इज नॉट इन मोशन, इट इज इन रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका होना, फिजिक्स में मोशन मतलब चलना अगर है तो रेस्ट मतलब रुका होना होता है। तो फिजिक्स में ऐसा भी होना है कि चीज चल रहा है, एनीथिंग इज मूविंग, बट हम लोग कहेंगे नो इट इज इन रेस्ट। तो ऐसा क्यों कहेंगे वो समझना है, लेकिन उससे पहले एक बात सीख लेना है कि नाइन्थ में ये जो फिजिक्स आप पढ़ने जा रहे हो, पहला चैप्टर है मोशन, सेकेंड है फोर्स, थर्ड है ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच के अंदर आते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटिक्स। ये काइनेटिक्स वर्ड जो है वो फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। काइनेटिक्स अपने आप में पूरा फिजिक्स है, ये मोशन फोर्स ग्रेविटेशन ये जितना कुछ पढ़ते हैं सब काइनेटिक्स ब्रांच के अंदर आते हैं। और काइनेटिक्स जो वर्ड है, काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन, यानी कि ब्रांच का नाम ही है मोशन। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं मोशन के। तो मोशन को समझने के लिए आप ध्यान से मेरा एक डायग्राम देखो। हम यहाँ पे एक ट्री बना रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। और इस ट्री के पास रोड पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है। लड़का थोड़ा मेरा कॉमेडियन दिखेगा लेकिन आपको इसी से काम चलाना होगा, मैं एग्जैक्ट कोई पेंटर नहीं है। तो एक लड़का खड़ा है ट्री के पास, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, आपने इनको इसको देखा। अब आफ्टर सम टाइम, मान लो कुछ टाइम बीता, मान लो 2 मिनट्स 1 मिनट कुछ भी, यू कैन टेक एनी टाइम। आफ्टर सम टाइम जो आपने देखा तो आप ये पाते हैं कि अब ये लड़का यहां नहीं होकर यहां आ गया है। ये लड़का जो है वो यहां नहीं होकर, यहां से गायब होकर यहां पहुंच गया, मतलब वो चल रहा था तो आफ्टर 2 मिनट्स वो लड़का यहां पहुंच गया। अब वो चल रहा है तो आप सीधी सीधी बोल देंगे कि वो मोशन में है, लेकिन नहीं। क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन का डेफिनेशन क्या है, हम लोग कब कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसका मतलब क्या है, वो ध्यान से देखो कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये लड़का हम लोग के लिए ऑब्जेक्ट है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ट्री को यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। रेफरेंस पॉइंट वर्ड का मतलब है कि ट्री के रिस्पेक्ट में, पहले ये लड़का ट्री से देखो इतने डिस्टेंस पे खड़ा था, इतने डिस्टेंस पे, अब इस ट्री के रिस्पेक्ट में वो लड़का इतना ज्यादा डिस्टेंस में चला गया है, मतलब ट्री के रिस्पेक्ट में इस लड़के ने जो आप देखो इसका जो गैप है ये लंबा हो गया है, ट्री के रिस्पेक्ट में ये लड़का अपने पोजीशन को चेंज कर चुका है विद द टाइम। टाइम बीता 2 मिनट हुआ और लड़के ने, दिस बॉय चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो यहां पे क्योंकि हम ट्री को एक बेसिक चीज बना रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में इस बॉय के पोजीशन को सर्च कर रहे हैं, बॉय के पोजीशन को चेक कर रहे हैं, तो इस मेरे इस एग्जांपल में ये ट्री बन गया है रेफरेंस पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फिजिक्स में, रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी चीज, रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीथिंग, ये लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग, जैसे मेरे एग्जांपल में ट्री है, वो कोई पोल हो सकता है, कोई बुक शॉप हो सकता है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, कोई घर हो सकता है, एक आदमी के रिस्पेक्ट में दूसरा आदमी बन सकता है। रेफरेंस पॉइंट कैन बी एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये लड़का विद द टाइम अपने पोजिशन को चेंज कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, अब सुनोगे ध्यान से, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज करे, देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे तो वी कैन से दिस ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। और अगर अपने पोजीशन को चेंज ना करे, अगर अपने पोजीशन को चेंज ना करे किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम बोलेंगे नो द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन मोशन, इट इज इन रेस्ट, इट इज एट रेस्ट भी लोग बोलते हैं, इट इज एट रेस्ट। जैसे एग्जांपल आप सुनो उसके बारे में भी, हम आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाले हैं जहां कोई चीज चल रहा होगा फिर भी फिजिक्स में कहा जाता है कि वो रेस्ट में। कैसे, सुनो ध्यान से। मान लो आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अच्छे समझना, बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अपने सीट पे बैठे और आपके बाजू वाले सीट पे भी कोई पर्सन बैठा है, बस इज मूविंग, बस चल रही है। अब आपसे पूछा गया
कि बताओ क्या आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो, आपसे पूछा गया, आप क्या बोलोगे? आपके पास आंसर कंफ्यूजिंग है। आपको मैं बता दूं कि आप उस वक्त मोशन में भी हैं और रेस्ट में भी हैं, आप दोनों हैं। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं एक ऐसा एग्जांपल है जहां कोई चीज मोशन में भी है और रेस्ट में भी। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ऐसा कैसे होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मोशन में भी है और रेस्ट में भी है। तो याद रखना मोशन या रेस्ट वो किस चीज में है ये डिसाइड करने के लिए आपको सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाना होगा। तो अगर आप उस बस में बैठे हो और आपने अपने बगल वाले पर्सन को अपना रेफरेंस पॉइंट माना है, बगल वाले पर्सन को अपना रेफरेंस पॉइंट माना है, तो उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप चेक करो, यू आर नॉट इन मोशन। क्यों? भले बस चल रही होगी पर अगर जो बाजू में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में तो आप अपने पोजिशन को चेंज नहीं कर रहे, मतलब उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो बगल में बैठा है उसके रिस्पेक्ट में यू आर एट रेस्ट, आप मोशन में नहीं हो क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में आप अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप रेफरेंस पॉइंट बस के बाहर किसी चीज को मान लो, मान लो बस चल रही है, आपका सडनली नजर बस के बाहर एक लैंप पोस्ट पे पड़ा, आप उस लैंप पोस्ट को देखे और उसको अपना रेफरेंस पॉइंट बना दिए। अब उस रेफरेंस पॉइंट लैंप पोस्ट के रिस्पेक्ट में अगर आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने पोजीशन को चेंज कर रहे। पहले आप लैंप पोस्ट के सामने से गुजर रहे थे, यहां थे, अब आप लैंप पोस्ट के आगे पहुंच गए, मतलब आपने लैंप पोस्ट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज किया। तो सिंस यू आर चेंजिंग योर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दैट लैंप पोस्ट, इट मींस यू आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट लैंप पोस्ट। तो फिजिक्स ऑल टुगेदर मोशन वर्ड को एक रेफरेंस पॉइंट से डिस्क्राइब करता है और यही डिसाइड करेगा कि आप मोशन में हो कि रेस्ट में हो। और आपके पास ऐसे सेवरल एग्जांपल्स होंगे जहां कोई ऑब्जेक्ट मोशन एज वेल एज रेस्ट दोनों में एक साथ होगा, सिर्फ आपको रेफरेंस पॉइंट को चेंज करने। जैसे हम जो एग्जाम्पल दिए बस का, आप उसी एग्जाम्पल को ट्रेन कर लो, क्या आप ट्रेन में बैठे हैं तो अपने ट्रेन में अपने पास बैठे हुए पैसेंजर के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में होंगे क्योंकि आप उसके रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप ट्रेन के बाहर प्लेटफॉर्म को देखोगे, किसी रेलवे स्टेशन को देखोगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आप अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म को छोड़ के आगे बढ़ रहे ट्रेन में बैठे बैठे, मतलब यू आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दैट प्लेटफॉर्म और द रेलवे स्टेशन और द बुक शॉप या पोल कुछ भी बना लो। तो ट्रेन के बाहर की चीजों के लिए आप मोशन में है पर ट्रेन के अंदर की चीजों के लिए आप रेस्ट में है। तो ये रेस्ट और मोशन का सही डेफिनेशन है फिजिक्स में कि विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इफ यू आर चेंजिंग योर पोजीशन यू आर इन मोशन, और अगर आप किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे यू आर नॉट इन मोशन। अपने डेफिनेशन में विथ टाइम जरूर लिखना। हम आपको फाइनल आंसर बता दे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विथ टाइम then the object is said to be in motion, otherwise not। ठीक है, so आप अपने मन में अब चार पांच examples और सोचो जहां कोई चीज, चाहे man लेना, living और non-living कुछ भी ले लेना, जो कोई चीज motion में भी है as well as rest में भी है। और ये सोचने के लिए आप दोनों में दो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट यूज करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है और दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में। तो आज हम लोग अपने मोशन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर चुके, क्वांटिटी क्या है ये ले चुके हैं और मोशन वर्ड एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है वो बात कर चुके हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।